आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई पे हम कैलकुलेशन की बात करेंगे कि हाउ कैन कैलकुलेट योर डेटा फॉर द मेजर्स एंड फॉर द कॉल। चलिए हम डेटा में चलते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस चीज़ को जानिए कि हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली कैलकुलेशन की ज़रूरत पढ़ने का रीजन ये है कि आपके पास जो डेटा आया, अब जरूरी नहीं है कि डेटा पूरी तरह से फिट हो सकता है कि उस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस आपकी रह गई हो, राइट सर। तो हम पहले बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की और उसके बाद बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, राइट सर। और हम लास्ट क्लास में आपको हम एक लिंक भेजे थे जिसमें हमने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दे रखा था कि किस मामले पे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने उसकी स्टडी की होगी। हाँ जी किया था, डेट एंड टाइम वाला किया था। हाँ देखिए, ये हमने दिया था, इसमें सागर जी आपको मैंने प्रोवाइड नहीं किया था इसलिए मैंने इस बार दे दिया है। ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शन है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये सारे फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस ऑपरेटर्स की। सबसे पहले ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट सर। तीसरा है आपका यहाँ पे टेक्स्ट ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ और भी, जैसे कि डबल एन परसेंट या डबल ए साइन, जो पाइप सिंबल होता है, ए हो गया, इन हो गया, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन सा है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ये आपका है पावर। तो चलिए वापस चलते हैं, इनकी ऑपरेशन यूज करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पे जो सेल्स है, जैसे हमारे पास कॉल्स हो गया, ये टोटल कॉल्स है, और टोटल कॉल्स के अंदर में ये हमारा टोटल, हमने टोटल 365 कॉल्स किए हैं, और उसका जो ऑब्जेक्शन मतलब कि क्यूसी जो होता है, क्वालिटी के पर्पज से जो रिकॉर्डिंग चेक होती है, कॉल सेंटर में आप जाएंगे तो जहाँ पे क्या होता है कि हम रैंडमली हर किसी की कुछ कॉल्स उठा के चेक करते हैं, उनको ग्रेड करते हैं कि उनकी कॉलिंग कैसी है। तो सुनने वाले जो है डेली जो है 101 हर एक बंदा 100 से 200 कॉल्स को सुनता है और उसको रेट करता है कि क्या है, ये गुड है, एक्सलेंट है, फेयर है या पुअर है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि टोटल कॉल्स के अकॉर्डिंग क्यूसी परसेंट में कितना परसेंट क्यूसी हो रही है, एक क्यूसी परसेंटेज हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस टोटल्स को डिवाइड करना होगा कॉल से। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ यहां पे हम एक न्यू कॉलम्स लेने के बाद मैं यहां पे क्यूसी परसेंटेज, तो यहां पे हम करेंगे टोटल डिवाइड बाय कॉल्स। और एंटर मारेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा, बट इसमें डे ए आएगा, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हम यहां परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, तो ए हो गई हमारी कैलकुलेशन किसकी, कॉलम की। अब इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सिंपल अगर हम ये दें कि मुझे रीजन वाइज क्यूसी परसेंटेज का एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ पे क्यूसीपी को डाल दीजिए और यहाँ वैल्यूज में इसका सम के जगह पे एवरेज कर दीजिए। उसके बाद जो विजुलाइजेशन चाहिए वो विजुलाइजेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, राइट। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमें डेटा में एक कॉलम बढ़ाना पड़ा, राइट।
लेकिन मुझे मुझे कॉलम नहीं बढ़ाना है, मुझे कॉलम नहीं बढ़ाना है, मुझे एवरेज, मुझे टोटल यहाँ एक वो क्या बोलते हैं इस चार्ट को बनाना है मुझे, और मुझे टोटल एवरेज चाहिए कि टोटल क्यूसी एवरेज क्या है। ये तो रीजन वाइज है ना सर, मुझे क्यूसी एवरेज चाहिए। और मैं कैलकुलेशन कॉलम नहीं ऐड करना चाहता हूँ, कॉलम की कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मेजर्स में इस्तेमाल करेंगे, किसमें, मेजर्स में। तो यहाँ हम मेजर्स पे क्लिक करते हैं, तो मेजर्स डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम को ऐड करेगा, ध्यान रखिएगा, डेटा में कुछ नहीं करेगा। तो मेजर्स में हम ऐसे प्रोग्राम यूज करेंगे जो कि समराइजेशन वाले फॉर्मूले जो होते हैं या होते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल क्यूसी परसेंटेज, और यहाँ पे हमने बोला सम ऑफ कॉल्स, कॉल्स सम ऑफ टोटल, सम ऑफ सम के अंदर में टोटल, टोटल्स डिवाइड बाय सम डाटा डेट कॉल्स, यहाँ पे हमारा ओवरऑल निकल गया। तो हमूंगा कि एक नया यहाँ पे एक नया गैंट चार्ट लिया, और इसमें मैंने एक फोटो लगाया होगा, हाँ ये नीचे आ गया, इसको उठाया और इस पे रख दिया, ओके। तो टोटल 0.32 एवरेज कॉल्स है, समझे, माने कि 32% जो है होता है। तो ये एवरेज कैसे निकला है, एवरेज तो निकला नहीं, ये तो टोटल डिवाइडेड बाय मतलब ये था, तो एवरेज ही हुआ ना सर। मतलब कि एक कॉल, अगर एक कॉल की जा 100 कॉल की जाती है तो उसमें से 32 कॉल एक की जाती है, ऑडिट की जाती है, समझे। मेजर्स का तो, मेजर्स का तो सर यूज हम वहां करेंगे जहां मुझे समराइज वे में लेना हो। हाँ जी सही सही, अगर टोटल फील्ड के अकॉर्डिंग लेना हो तब तो फिर कॉलम कॉलम ऐड करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है कि इसे ध्यान में किया गया, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि सिर्फ मेजर्स के अप्लाई होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा सम, अब सम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, समझे, क्योंकि सम पूरा कॉलम को करता है। तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा कि आप ऐसे फॉर्मूलाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आप इसी तरीके से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर को ले सकते हैं। हर किसी का एग्जांपल लेने की जरूरत तो नहीं है। पावर का एक एग्जांपल बता दीजिए। पावर का एग्जांपल होता है स्क्वायर। वैसे मान लीजिए, मुझे मान लीजिए कि एक्सेलेंट का एक्स्वायर चाहिए, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 स्क्वायर चाहिए, तो वहां हम न्यू कॉलम ऐड करेंगे। इसके लिए मुझे एक अलग डेटा लेना पड़ेगा, एक अलग डेटा पे स्क्वायर के बताया जाता हूँ, एक अलग एक्सेल फाइल में बनाता हूँ। ये अलग डेटा स्क्वायर ही तो होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हो आप। जैसे न्यू कॉलम लेता हूँ मैं यहाँ पे एस क्यू, और मुझे चाहिए एक्सलेंट का पावर ऑफ 2, ठीक है सर, क्यू चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो जो देना दे सकते हैं, तो पावर वही होता है स्क्वायर करने का। एक्सेल में पावर की फॉर्मूला होती थी ना, वही हम 10 स्क्वायर कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 क्यूब कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 बार कर देगा। हाँ जी। तो अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, इसकी जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसकी बात करते हैं। तो आप बोलोगे इसके लिए तो हमें इफ का यूज करना पड़ेगा,
जी नहीं, बिना इफ यूज की भी किया जा सकता है। कैसे? चलिए, जैसे कि मुझे जस्ट अकाउंट करना है यहाँ पे, पावर बी आई में मुझे अपने डेटा में अकाउंट करना है कि एक्सलेंट वाले जो भी एक्सलेंट है, एक्सलेंट वाले 50 से ऊपर कितने, 50 से ऊपर कितने, तो हम मेजर्स के अंदर में काउंट इफ लगा सकते हैं। देख लेते हैं, फिफ्टी कर देते हैं यहां पे काउंट इफ, काउंट हो गया पूरा काउंट करता है नंबर्स को, काउंट ही होता है, टोटल काउंट करता है वैल्यूज को, वैल्यू या नंबर, टेक्स्ट और वैल्यू दोनों को काउंट टेक्स्ट करता है। और काउंट ब्लैंक हो गया, काउंट रो हो गया, काउंट एक्स, काउंट ए एक्स, काउंट एक्स, डिस्काउंट, काउंट एक्स क्या करता है, इसे काउंट इफ की तरह ही वर्क करेगा। आई थिंक मुझे इसके दे दिए कि मुझे डेटा के अंदर, तो ये अलग है, काउंट एक्स अलग है। काउंट ए, काउंट एक्स अलग, बात होता हूँ आपको। तो यहाँ पे मुझे कैसे करें, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे क्या हम ये कर सकते हैं, काउंट के अंदर में, काउंट ए के अंदर में मैं देता हूँ एक्सलेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नहीं देगा क्योंकि ये काउंट ए के अंदर जो है एरे टाइप नहीं दे सकते, किसी तरह इसकी जगह फील्ड में हम एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते, समझे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर्स इसमें क्या है, मेजर्स में नहीं कर सकते, काउंट ए फॉर्मूला लगेगा लेकिन काउंट ए में सिर्फ कॉलम दे सकते हैं आप, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं दे सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी मेजर्स के अंदर में आप ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं दे सकते, लेकिन आप कॉलम में लॉजिकल ऑपरेटर दे सकते हैं। यहां मैं कॉलम में आता हूं, आने के बाद मैं यहाँ पे जी आर 50 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सलेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो सारे ट्रू आ जाएंगे। और जी आर 50 ऑलरेडी है, जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स में आता है, कहां आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं आता कि हाँ इतना ही काउंट करके बताता है कि ग्रेटर देन 50 वाला है वो इतना नंबर, उसके लिए तो इफ लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए ना क्या बोलते हैं, मेजर्स पे जब आएंगे हम, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ए कॉम चार्ट लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि जी आर, यहाँ पे जी आर के, हाँ जी आर को उठाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और वापस जी आर को यहाँ वैल्यू में रख देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ काउंट। तो आपने देखा 4565 जो है, 87% जो है वो हमारा फॉल्स है और 68% ये आपका जो है 12% हमारा ट्रू है, समझे। तो टोटल 68 रिकॉर्ड जो हैं, हाँ, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाले हैं। राइट, नहीं इसमें और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इफ फॉर्मूला लगा देंगे या फिर इसमें इसको ब्रैकेट पे देते हैं और यहाँ पे फॉल्स पे यहाँ पे
सॉरी भाई वन कर देता हूँ। अब सम कर लीजिए, समझे कि नहीं सर? क्या समझे? हेलो, हाँ जी, क्या समझे सर? हाँ, मल्टीप्लाई वन करने से जितने भी ट्रू थे वो वन में कन्वर्ट हो गए, फॉल्स थे जो वो जीरो हो गए। कैसे मैं क्यों, क्या इसका लॉजिक क्या है? एग्जैक्ट मैच वाले जो भी हैं उसका लॉजिक तो यही है कि जो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं वो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, जो मैच नहीं, नहीं कर रहे हैं सुनिए सुनिए, वो जीरो हो जाए। कंप्यूटर के अंदर किसी भी लैंग्वेज में आप जाते हैं तो ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है, हाँ जी, समझ गए? एक्सेल में भी आप जाएंगे, एक्सेल में भी जाएंगे तो ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है। जीरो होता है, हाँ, मल्टीप्लाई बाई वन किया तो ट्रू वन मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू वन, वन जीरो मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें इफ लगाने की जरूरत पड़ती तो हमने मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, तो मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेजर्स में मैं सम कर दूंगा जी, यार सम के अंदर में जीरो को तो सम करेगा नहीं, सिर्फ वन को सम करेगा, समझ गया? हाँ जी, एक तरह से काउंट इफ लग गया हमारा। तो काउंट इफ लगाने का एक तरीका है, मुझे इसी में काउंट करना है कि भाई अंबाला कितने हैं, सिर्फ अंबाला या हवाई का करना है तो वही करेंगे हम ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो है वो तो टेक्स्ट भी यूज होगा ना, क्योंकि आप अगर की बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रेटर देन लेस देन कितने इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये जो है सिर्फ नंबर पे वर्क करता है, ठीक है? अब ये आपका इक्वल इक्वल टू में यूएसए आ गया, ये होता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू, ये आपका यूएसए डबल इक्वल। अब डबल इक्वल में क्या है कि शायद एक कंटेन इक्वल करने से कंटेन हो सकता है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ स्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, मैं फ्लोरिडा का एफ स्मॉल करता हूँ, ट्रू आया, सही, और मैं इसको ये हटा दूँ, दोनों में कोई डिफरेंस तो समझ नहीं रहा। क्योंकि मैं कैप्स अप्लाई कर तो दोनों इक्वल एक ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक इक्वल टू हो गया है, मुझे ही लग रहा है। इक्वल टू लगाना पड़ेगा आपको, दोनों का तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट ही आ रहा है सर। हाँ, एक बार इसको रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है?
डबल इक्वल टू स्टिक इक्वल टू है, उसके बाद टर्म लगता है दोबारा। बाकी आप नॉट इक्वल टू भी किसी चीज़ पे लगा सकते हो, मतलब इसके बराबर नहीं, ठीक है। और एन परसेंट जो है ये आपका किसी को कंबाइन करने के लिए, एक्सेल में कंबाइन करते हैं ना सर, हाँ एंड से कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कल जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली कैलकुलेशन, हम इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे आपके साथ, और कुछ मेजर्स की भी चीज़ें बताएंगे आपको, और कुछ टेबल्स के बारे में भी समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।